जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत। चार चौकीदारों की हत्या करने वाले सीरियल किलर को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। उसने पांचवी हत्या भोपाल के खजूरी सड़क थाना इलाके में गुरुवार रात गार्ड की हत्या की थी। मार्बल के टुकड़ों से उसका सिर कुचला गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हत्यारे की पहचान शिव गौंड के रूप में की गई है। वो केसली सागर का रहने वाला है। हत्यारे ने 6 हत्याएं करने की बात कबूल की है। पूछने पर उसने बताया कि वो सिक्योरिटी गार्ड को मारने के मिशन पर है। वो ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स को टारगेट करता था जो ड्यूटी के दौरान सोते रहते थे। जानकारी के मुताबिक शिव ने भोपाल में गुरुवार की रात करीब 1:30 बजे चौकीदार सोनू वर्मा की हत्या करना कबूला है। सोनू ईदगाह इलाके में रहता था। वह खजूरी सड़क इलाके में गोरा जी मार्बल की दुकान में काम करता था। खजूरी सड़क थाना प्रभारी संध्या मिश्रा ने बताया कि रात करीब 1:30 बजे सोनू की उस दौरान हत्या की गई जब वह दुकान में सो रहा था। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वह फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है। कुछ समय तक उसने गोवा में नौकरी भी की है। इससे पहले सागर में उसने अलग अलग जगहों पर 4 और 72 घंटों में ही 3 सुरक्षा गार्डों की हत्या की थी। 250 पुलिसकर्मियों की 10 टीमें पिछले 2 दिनों से उसकी तलाश कर रही हैं। पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने कहा कि आरोपी की पहचान सीसीटीवी कैमरे के आधार पर की गई है। उसे गिरफ्तार कर पुलिस सागर ले जा रही है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, आरोपी से सागर और भोपाल पुलिस पूछताछ कर रही है। सागर में चौकीदार हल्लू साहू ने बताया, 30 अगस्त को रात 12 से 1 बजे के बीच की बात है। उस दिन तीज का त्योहार था। मैं अंदर लेटा था, देखा कि बाहर गाय लड़ रही है। शोरूम के पारदर्शी गेट से बाहर का सब दिखता है। मैं गायों को भगाने के लिए बाहर आया। बाजू में फुल सफेद शर्ट व पैंट पहने एक युवक खड़ा था। उसने मुझसे कहा, दाऊ बीड़ी पिलाओ। मैंने पहले अनसुना कर दिया। उसने दूसरी बार बीड़ी मांगी। मैंने उससे कहा कि आ जाओ। वह कैमरे की तरफ देखने लगा और साइड में आ गया। मैं कुछ दिन पहले भी यहाँ आ चुका था। मैं उसे बीड़ी पिलाता था। उस दिन भी मैंने उसे साइड में जाकर बीड़ी दे दी। उसने बीड़ी पीते हुए मुझसे कहा कि दाऊ, मुझे रात में सोने वालों पर गुस्सा आता है। मैंने कहा कि क्यों, तो उसने जवाब नहीं दिया। इसके बाद वह मेन रोड से ठाकुर बाबा की तरफ चला गया। उसके साथ एक और शख्स था जो काफी दूर था, जिसे मैं नहीं जानता। जब वह पहली बार मिला था तब उसने ठाकुर बाबा की तरफ अपना निवास बताया।